नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज ये देखेंगे कि जैसे अपने को वुडन फ्रेम के अंदर अपने को डोर बिठाना रहता है तो किस तरीके से अपना बिठाया जाता है। जैसे अपना मेजरमेंट है, मेजरमेंट से बना लेने के बाद में अंदर की साइड में अपने को गाले के अंदर बिठाना रहता है, फिक्सिंग करने के लिए, इंजिस लगाने के लिए, प्रॉपर से अपने को फिक्स करने के लिए। इस तरीके से जैसे अपना यहाँ पर डोर और फ्रेम है, जैसे अपना जो डोर रहता है, डोर का जो थिकनेस है अपना डेढ़ इंच का थिकनेस है कुछ इस तरीके से। जैसे अपना जो पहले से जो टक्कर रहती है उसको पहले से अपना सीधा कर लेंगे, प्रॉपर से अपना जो गाला है गाले के अंदर डाल के फिर अपना देख लेंगे प्रॉपर से। जैसे अपना इंजिस वाला भाग रहता है उसको अपना थोड़ा सा स्लोप कर देंगे। जैसे अपना इंजिस से काफ़ी बार अपने फ्रेम के अंदर इंजिस लगाते हैं तो अपना फेंक मारता है। और जैसे अपना आड़ी वाड़ में यदि अपने को प्लेनर घुमाना रहता है तो आप इलेक्ट्रिक प्लेनर का यूज़ कर सकते हो। जैसे अपने पास इलेक्ट्रिक प्लेनर यदि नहीं रहती है तो डायरेक्ट आप इस तरीके से अपना डायरेक्ट लगा सकते हो। जैसे अपना वार्ड रहता है, वार्ड के हिसाब से अपने रंधा है उसको छोटे वाले रंधे से लगा देंगे। और फिर अपना जो लंबा यूज़ करना हो तो लंबे के हिसाब से अपने प्रॉपर से इस तरीके से करते जाएंगे। जैसे अपना डोर है, डोर का जो साइज़ है अपना 3x7 फिट का है कुछ इस तरीके से। जैसे अपना डोर रहता है ये अपना टिकूड में बनाया गया है। जैसे अपने को इस तरीके से यदि डोर लगाना रहता है तो यही प्रोसेस अपना प्लस डोर में रहता है, यही अपना टिकूड वाला प्रोसेस रहता है। इस तरीके से अपना जो गाला रहता है गाले के अंदर प्रॉपर से बैठ जाए उस तरीके से अपने देख लेंगे। दोस्तों यदि अपने को यदि डोर बनाना रहता है तो अपना 4 mm नीचे की साइड में ढीला कर देंगे और 4 mm अपना साइड में कर देंगे तो अपना जो प्रॉपर है आराम से लग जाएगा और अपना जो इंजिस है वो भी आराम से बैठ जाएगा। जैसे अपना यहाँ पे डोर था प्रॉपर से एक बार धार सीधा कर दिया है इस तरीके से, और अपना जो टक्कर है उसको दूसरी टक्कर को भी अपना प्रॉपर से सीधा कर देंगे। जैसे अपना सीधा करने कई बार अपने जैसे अपनी फिक्सिंग करने जाते हैं तो अपना भिड़े में बनाने के बाद में अपना टाइट कम या ज़्यादा हो जाता है अपना मेजरमेंट के हिसाब से, तो अपना जो टक्कर रहता है टक्कर को बिल्कुल सीधा कर देंगे। जैसे अपना आड़ी वाड़ रहती है तो अपना प्लेनर नहीं चल पाता है तो अपना चौसी जो रहता है अपना चौसी से इस तरीके से अपना कट मार देंगे। जैसे अपने को 4 mm उड़ाना रहता है अथवा अपने को 5 mm उड़ाना रहता है तो उसके हिसाब से अपने इस तरीके से अपना पूरा कट मार देंगे। दोस्तों यदि अपने को इस तरीके से यदि डोर का यदि फिटिंग देखना रहता है किस तरीके से अपने को बनाना रहता है पैनल वाला डोर कहीं पे भी अपने को यदि आ जाता है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाके देख लीजिए। जैसे अपना यहाँ पे वाड़ था उसको प्रॉपर से गाड़ दिया है, नीचे की साइड में अपने को उड़ाना रहता है अपने गाले में डाल के, तो अपना इस तरीके से अपना वाड़ को उड़ा देने के बाद में अपना प्लेनर है अपना रंधे के द्वारा अपना जो भाग है उस तरीके से अपना बैठा देंगे। जैसे अपने को इस तरीके से अपना डोर बैठाना रहता है तो अपना जो चौगट रहता है उसको भी अपने प्रॉपर से देख लेंगे। यदि अपना सीधा नहीं रहता है तो अपने कई बार उसको सीधा भी कर देंगे तो काफ़ी बेटर रहता है, अपना दरवाजे में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इस तरीके से अपना जो गाला रहता है गाले के हिसाब से अंदर की साइड में बैठा के देख लेंगे कि अपना प्रॉपर से गुरु हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरीके से अपना जो टक्कर रहता है अपना मिजागरे वाली साइड अपना टक्कर मिला लेंगे, और अपना जो हाइट रहता है हाइट के हिसाब से भी अपना टक्कर मिला लेंगे, और अपना नीचे की साइड में अपना प्रॉपर से इस तरीके से अपना गुरु देख लेंगे। जैसे अपने को गुरु रखना रहता है तो आप 4 mm से 6 mm के बीच में रख देंगे तो काफ़ी बेटर रहता है। यदि अपने कई बार 4 mm का रखते हैं तो काफ़ी बार अपना फ्लोर का ढाल कम या ज़्यादा रहता है तो 4 mm में अड़ने का भी ज़्यादा चांस रहता है। और ऊपर की साइड में अपने को पतला सा गुरु रखना रहता है, जैसे अपना 0.8 mm अथवा पतली वाली लेमिनेट जितना अपने को गुरु रखना रहता है अपना। जैसे इस तरीके से अपना पूरा गाले के अंदर प्रॉपर से आ गया दरवाज़ा, और अपना जो गुरु है गुरु का सेटिंग रहता है, अपने सेटिंग के हिसाब से अपना गुरु का मार्किंग करके अपने उड़ाते जाएंगे। और इस तरीके से अपना जो भाग है यहाँ पे थोड़ा क्रॉस आ रहा था फ्लोर के हिसाब से, तो अपना आगे की साइड में इस तरीके से अपना आड़ी वाड़ को अपने चौरसी से कटिंग कर देंगे। और अपने को जैसे प्रॉपर से अपना नीचे की साइड में प्रॉपर से केंडा घुमा के और अपना मार्किंग के हिसाब से अपने रंधे से उसको लेवल करते जाएंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हम ऐसे ही इंटीरियर और रूट से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। जैसे अपना यहाँ पे एक भाग था, यहाँ पे ज़्यादा था, जैसे अपना फ्लोर है फ्लोर के हिसाब से तो उसको अपने उड़ाते जाएंगे। दोस्तों यदि अपने को इस तरीके से प्लस डोर लगाना रहता है, वुडन डोर लगाना रहता है, टिकूड का डोर लगाना रहता है, तो पहले से अपना चौकटे अथवा जो फ्रेम रहता है वुडन वाला अथवा अपना स्टोन का
स्टोन वाला यदि फ्रेम हुआ तो अपना उसको प्रॉपर से देख लेंगे कि अपना माप में कम या ज़्यादा नहीं रहता है। जैसे अपना चौकटा छिलना रहता है तो अपने चौकटे को भी अपना सीधा कर देंगे। जैसे कई बार अपना जो चौकटा रहता है वो भी बेंड रहता है, जैसे सेंटर में से यदि गोल हो गया यदि खड्डा हो गया, उसके हिसाब से अपना जो फ्रेम है फ्रेम को भी अपने एडजस्ट करते जाएंगे। जैसे अपना यहाँ पे दरवाज़ा था, यहाँ पे प्रॉपर से यहाँ पे रंधा मार दिया, फिर अपना डाल के अंदर की साइड में देख लेंगे। जैसे अपना इंजिस रहता है, इंजिस के हिसाब से अपने इंजिस की साइड में अपने टच कर देंगे और एक जो साइड रहता है ऊपर की साइड में टच कर देंगे इस तरीके से। जैसे अपना यहाँ पे इंजिस वाला भाग था, यहाँ पे प्रॉपर से बैठ गया, अपने को यहाँ पे राइट साइड में इंजिस लगाने और ऊपर की साइड में अपना प्रॉपर से टच करके देख लेंगे। यदि अपने को ऊपर में नहीं देखना तो नीचे की साइड में टच करके देख लेंगे। जैसे अपना यहाँ पे ग्रू था, यहाँ पे प्रॉपर से अपना 4 mm जितना ग्रू रखा गया, जैसे हाइट में भी अपना 4 mm रखा गया और आगे की साइड में भी अपने को 4 mm रखा गया है। दोस्तों यदि अपने को कहीं पे भी इस तरीके से यदि दरवाज़ा बिठाना रहता है तो अपना 4 mm लॉक की साइड में ग्रू रख देवे, ताकि अपना जो कभी भी बारिश वगैरह हुआ कभी भी अड़ने का चांस नहीं रहता है। जैसे अपना जो वुडन वाला फ्रेम रहता है, कई बार अपना खड्डा भी रहता है और बाहर की साइड में निकला हुआ भी रहता है, तो इस तरीके से अपना जो दरवाज़ा है प्रॉपर से मार्किंग करके देख लेंगे। जैसे अपने को खड्डा करना रहा तो अपने छोटे वाली रंदी से उसको खड़ा कर देंगे, और जैसे अपने को यदि पूरा सीधा ही करना रहता है तो अपने बड़े रंदे से आराम से उसको सीधा कर पाएंगे इस तरीके से। जैसे अपना यहाँ पे इंजिस वाला भाग था, इस तरीके से अपना प्रॉपर बैठ गया और हाइट में भी अपना प्रॉपर से इस तरीके से अपने बिठा देंगे। जैसे अपना हाइट में यदि 4 mm का मार्किंग करना रहता है तो 4 mm के हिसाब से इस तरीके से अपना जो वीनियर अथवा MDF रहता है उसके हिसाब से अपने मार्किंग कर देंगे। दोस्तों यदि अपने को इस तरीके से यदि करना रहता है तो आप ऊपर की साइड में 4 mm अथवा 6 mm का केंडा घुमा देवे, ताकि अपना जो दरवाज़ा फिटिंग करते टाइम में अपना दरवाज़ा ऊपर की साइड में टच करके लगा देंगे इस तरीके से। जो अपना गैप जो रहता है अपना नीचे की साइड में अपना ऑटोमेटिक ही 4 mm से 6 mm के बीच में गैप बन जाता है इस तरीके से। और जैसे अपना लॉक वाला भाग रहता है अपना 4 mm के हिसाब से कम कर देंगे। और जैसे अपने को कई बार यदि लॉक रहता है अपना पाती भी टच होने का चांस रहता है, और काफ़ी बार अपना जो टाइम निकल जाने के बाद में अपने को रिपेयरिंग करना रहता है तो रिपेयरिंग में भी अपने को काफ़ी तकलीफ आ जाती है। जैसे अपना जो लॉक लग जाने के बाद में अपने उसको रिपेयर नहीं कर पाते हैं अच्छी तरीके से। जैसे अपना दरवाज़ा यदि अड़ने लग गया तो अपना जो लॉक है लॉक में रंधा नहीं लग पाता है इस तरीके से। जैसे अपने को रहता है तो आप लूज ही कर दें 3 mm जितना, और इस तरीके से अपने यदि खड्डा या टेकड़ा आता है तो उसके हिसाब से अपने इस तरीके से अपना रंधा मार देंगे। जैसे अपना जो वुडन का जो फ्रेम रहता है, कई बार अपना ऊपर की साइड में कम या नीचे से ज़्यादा रह जाता है, उसका रीज़न ये रहता है जैसे अपने प्रॉपर से फिट नहीं कर पाते हैं। जैसे अपना ओलंबा रहता है, ओलंबे के हिसाब से भी अपने फिट नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से जो अपना टकरे रहती है प्रॉपर से सीधी नहीं हो पाती है, और अपना जो दरवाजे में है काफ़ी टाइम भी लग जाता है। दोस्तों यदि अपने को इस तरीके से करना रहता है तो अपना जो वुडन फ्रेम है वुडन फ्रेम को पहले से सीधा कर दे अच्छी तरीके से ओलंबे में कर दे, तो अपना दरवाज़ा रहता है फिटिंग करने में कोई इश्यू नहीं आता है। जैसे अपना फिटिंग करने जाते हैं अपना वुडन वाला फ्रेम, तो काफ़ी बार जो एक टांग रहता है वो आगे की साइड में निकल जाता है और एक साइड पीछे की साइड में निकल जाता है। तो अपना फिटिंग करने जाते हैं दरवाज़ा, तो दरवाज़ा जो अंदर की साइड में प्रॉपर से नहीं चिपक पाता है और अपना काफ़ी बार अपने गैप हो जाता है। जैसे ऊपर से अपना 6 mm हो जाता है पेटे से और नीचे की साइड में अपना टच हो जाता है इस तरीके से। अपना जो गैप है काफ़ी बार अपने को कम या ज़्यादा हो जाती है, तो अपने को काफ़ी दिक्कत आ जाती है। जैसे अपना टक्कर रहता है, टक्कर के हिसाब से इस तरीके से अपने चेक कर लेंगे। जैसे अपने को गुरु बनाना रहता है ऊपर की साइड में, यहाँ पे पहले से अपने गुरु का मार्किंग कर लिया थे जैसे अपना वीडियो में देखा था, और फिर जो अपना टक्कर है टक्कर के हिसाब से ऊपर की साइड में अपना 4 mm का गुरु बना देंगे इस तरीके से। जैसे अपना रंधा रहता है रंधे के हिसाब से अपने पूरा उड़ाते जाएंगे। दोस्तों यदि अपने को इस तरीके से यदि प्लस डोर लगाना रहता है, जैसे अपने को प्लस डोर में यदि पट्टी दिखानी रहती है, जैसे अपना 3 डोरे का जो पट्टी अपने को क्लियर दिखानी रहती है और अंदर की साइड में अपने को वीनियर बैठाना रहता है, तो अपना जो दरवाज़ा रहता है अपना प्लस डोर वाला पहले से ही बिठा देंगे और फिर जो अपना पट्टी है पट्टी का फिक्सिंग करते जाएंगे। जैसे अपना यहाँ पे डोर था, यहाँ पे पूरा टिकवुड में डोर था, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जैसे अपना यदि फ्रेम कम या ज़्यादा होता है।
और अपना जो बॉर्डर पट्टी वाला यदि प्लस डोर रहता है उसमें काफ़ी अपने को क्रॉस वगैरह नज़र आता है। और इस तरीके से जैसे अपना यहाँ पे शिकंजा था, शिकंजे के हिसाब से अपने निकालेंगे और फिर अपना जो दूसरी साइड है उसके हिसाब से भी अपने देख लेंगे। जैसे अपने को यदि जिसकी साइड में अपने को कमी या ज़्यादा करना रहता है, जैसे अपना यहाँ पे दरवाज़ा था, यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया, रेडी हो गया और अभी अपना अंदर की साइड में इस तरीके से बैठा देंगे। जैसे अपना इंजी साइड में भी यहाँ पर चिपक गया है और ऊपर की साइड में भी अपना प्रॉपर से गैप हो गया है। जैसे अपना इंजी से यहाँ पे 0-0 चिपक गया है और अंदर की साइड में अपना स्लोप भी मार दिया गया है। इस तरीके से जैसे स्लोप मारा है तो ताकि अपना जो इंजी है वो भी फेंक नहीं पा रहेगा और अपना दरवाज़ा खुलने में भी कोई इशू नहीं आएगा। जैसे अपना ऊपर की साइड में यहाँ पे गुरु रख दिया गया है जैसे 4 mm का और फिर आगे की साइड में भी अपना यहाँ पे 4 mm का रख दिया गया है। दोस्तों यदि अपनी को हाइट में यदि 6 mm रखना है तो 6 mm के हिसाब से रख सकते हो, काफ़ी सही रहता है। और आगे की साइड में अपने 4 mm का गुरु रख देंगे। और यहाँ पे अपना दरवाज़ा था, यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया, लगने के लिए रेडी हो गया है। सो थैंक यू।